गौस आजम रजी अल्लाह तआला की मोहब्बत में आला हजरत इतने डूबे हुए थे ना उस दरिया में कि वहां से निकलने का मौका ही नहीं मिलता था, इतने डूबे हुए थे। एक दफा आला हजरत कहते हैं कि मेरी तबीयत, मेरी आंखों की मसले थे, मैंने बड़े इलाज करवाए लेकिन फायदा नहीं हुआ। तो मैंने सैयदना निजामुद्दीन बाबा की बारगाह में जाकर मैंने एक कथा लिखा उनका। तो कहते उसी रात मुझे ख्वाजा गरीब नवाज की ज़ियारत हुई ख्वाब में, और पूरी कब्र शरीफ नजर आई और मैंने कब्र शक हुई और फिर मैंने ख्वाब में ही मट्टी लगा ली और वो मेरी आंखें ठीक हो गई। तो देखो ना, तारीफ की उनके मुरीद के मुरीद के मुरीद की, और ज्यादा किसी हुई गरीब नवाज की। तो बहरहाल आला हज़रत का कसीदा इकसीर आजम है फारसी में, जिसकी शरह आला हज़रत ने फारसी में भी लिखी है। तो आला हज़रत ने वो कसीदा लिखने की वजह बताई कि वजह ये थी, लेकिन ये करामत देखकर मेरे दिल ने कहा कि मैंने चाहा कि मैं ख्वाजा साहब की मनकबत लिखूं, तो दिल ने कहा चल तुझे इससे बड़ी बारगाह में ले जाता हूं, और फिर गौस आजम की शान। एक दफा ऐसा हुआ आला हज़रत सैयदना निजामुद्दीन बाबा की बारगाह में हाजिर हुए मुर्दा शरीफ पर, तो वहां सहन में कव्वाल बैठे हुए थे, तो वो बड़े ढोल ढमक के चढ़ रहे थे, तो आला हज़रत की तबीयत मुंतशिर हो रही थी। तो आपने अंदर ही कहा कि हुजूर ये बड़ी मुंतशिर कर रहे हैं, ये कहा था कि आवाजें बंद हो गई। फिर आप मस्जिद जब मजार से बाहर निकले तो आवाज आने लगी, जैसे कदम रखे तो आवाज चले जाए। तो इमाम कहते हैं ये बय्यिन करामत देखकर मेरे दिल ने चाहा कि हजरत से इमदाद तलब करूं, लेकिन जबान पर जब खोली तो आए या गौसा या गौसा, यही आया। तो गौस आजम से मोहब्बत आला हजरत देखी है ना, और आला हजरत को गौस आजम नवाजा भी तो ऐसा है ना, सुभान अल्लाह। गौस आजम कहते हैं कि तुझसे दर दर से सद और सद से मुझको तुझसे दर दर से सद और सद से मुझको, वो कहते हैं कि क्या वो शेर है कि ए तन मेरा मुर्शिद ने क्या है वो बगदाद शहर दी की है निशानी, उच्चियां लम्बियां चीरा हूं, कहते हैं कि तन मन मेरा पुरजे पुरजे जिवें दर्दी दियां लीरा हूं, इन्हां लीरा दी गल कफनी पाके गल सा संग फकीरा हूं, ते शहर बगदाद में टुकड़े मंगसा बाहू करसा मीरा मीरा हूं। ऐसे बनो और कहो तुझसे दर दर से सग 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 मुझको निस्बत, यूं मेरी गर्दन